सौ बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली ये लो गुड्डी इसमें 2 लाख रुपए इसे ब्लैकमेलर की बताए हुए जगह पर जाके रख देना और वापस आ जाना अगर ब्लैकमेलर ये पैकेट लेके रफू चक्कर हो गया तो देख गुड्डी जैसा सूर्य ने कहा है ना बिल्कुल वैसा ही करो ये पैकेट रखे मुड़ के नहीं देखना कम ऑन गर्ल्स चलते हैं अब देखिए आगे गुड्डी पर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है सुपर इधर उधर मत देख गुड्डी पैकेट रख और चल खा रखो इधर ही रख दे यहीं रख दे चलो चलो अरे गुड्डी अगर ब्लैकमेलर के आने से पहले ये पैकेट किसी दूसरे ने उठा लिया तो हमारे 2 लाख तो पानी में गए ना तेरे को सूर्य ने ज्यादा सोचने के लिए मना किया ना चल चल चलो मैडी अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है और कहीं दूर जाकर ये नोट भी गिन लेते और शाम को जाकर उस हरामी पुन्नु के मुंह पर माराते हाँ यार जुए में कुछ पैसे क्या हार गए जीना हराम करके रखा है चल तुम्हारा खेल खत्म सैम और मैडी हेलो गुड्डी दोनों ब्लैकमेलर्स हमारे सामने हैं अगर तुम देखना चाहती हो कि वो दोनों कौन है तो फौरन आ जाओ तो बताओ सैम और मैडी क्या करें तुम्हारे साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए सूर्या हमें प्लीज माफ कर दो सूर्या हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सूर्या हाँ सूर्य प्लीज हमें माफ कर दो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अच्छा अपनी जिंदगी का ख्याल तब नहीं आया जब ऐसी घटिया हरकत करने की सोची तुम दोनों ने आया जिंदगी का सैम और मैडी तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़े से पैसों के लिए इतना बड़ा नाटक किया सूर्या इन दोनों को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए अरे पुलिस के हवाले करने से पहले मेरे हाथों की खुजली तो दूर होने दो मारना ही चाहिए रिलैक्स गाइस सब लोग अपने गुस्से पर काबू रखो सैम और मैडी तुम ये बताने की तकलीफ करोगे कि तुम दोनों ने एक गिरी हुई हरकत क्यों की सब पुन्नु की वजह से पुन्नु
ये पुन्नू कौन है? सूर्या, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे सूर्या, पर हमें प्लीज पुलिस के हवाले मत करो। चलो बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सूर्या, पुन्नू हमारे कॉलेज के पीछे जुए का अड्डा चलाता है और आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। जब तक तुमसे दोस्ती थी ना, तुम हमारी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करते रहते थे। सूर्या, तुम्हारे और पैनी की दोस्ती टूटने के बाद पैनी भी हमसे अलग हो गई और तुम तो पहले ही हमारा साथ छोड़ चुके थे। तब तक हमारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए और उन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए हमने पुन्नू के अड्डे पर जाना शुरू कर दिया और जुआ खेलना शुरू कर दी। शुरू शुरू में दो चार बार जीते भी, लेकिन फिर हमेशा हारते गए और हारते हारते कर्जा 2 लाख तक पहुंच गया। और अब पुन्नू वो हमें सुबह शाम पैसों की वसूली के लिए धमकी देता रहता है। और 2 दिन पहले उसका फोन भी आया था और उसने हमें आज तक का टाइम दिया था। बोला था कि अगर आज शाम तक हमने उसे पैसे नहीं दिए तो हमारे घर वालों को सब कुछ बता देगा वो और फिर उनसे पैसे वसूलेगा। तो इसलिए तुम दोनों ने गुड्डी को ब्लैकमेल करने की स्कीम बनाई, ये सोचा कि वो डर जाएगी और सूर्या से किसी भी बहाने से 2 लाख रुपए लेके तुम्हारे हवाले कर देगी। सैम, मैडी, तुम दोनों लालच में इतने अंधे हो गए कि जुए के अड्डे तक चले गए। छी, तुम्हें पता है हर जुए खाने वाला पहले पहले अपने शिकार को जिताता है और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लेता है। मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने अभी अभी तो ब्लैकमेलर्स को पकड़ा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि मैं कोई सत्संग अटेंड कर रही हूँ। भाई मेरे, बताओ अभी इन दोनों का क्या करना है, जल्दी कोई फैसला करो। एक मिनट पूछा। सैम और मैडी, जब तुम दोनों मेरे साथ थे ना, मैं हमेशा से जानता था कि तुम दोनों किसी ना किसी बहाने मुझसे पैसे लेते। एज अ फ्रेंड मैं कभी ये नहीं चाहता था कि थोड़े से पैसों के लिए तुम्हें किसी के सामने झुकना पड़े, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों की ये मुफ्त के पैसे उड़ाने की आदत तुम्हें यहां तक पहुंचा देगी। हमारे बुजुर्ग सही हिदायत दिया करते थे, जितनी चद्दर हो इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। समझा? सूर्या, हमें माफ कर दो। सूर्या, हमें तुम्हारी बात समझ आ गई है, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुम दोनों आज शाम तक पुन्नू के 2 लाख रुपए कैसे लौटाओगे? हाँ, हमें नहीं पता सूर्या, हमें कुछ नहीं पता। हम ये शहर छोड़ के भाग जाएंगे, उस पुन्नू के हाथ ही नहीं आएंगे। एक गलती, फिर दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती। सैम और मैडी, तुम्हारी ये सारी गलतियां है ना, एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को गलत कर देंगी। संभल जाओ यार, अभी भी वक्त है। तुम्हारी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जब तुमने अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को गाली देना शुरू कर दिया था, उनके दिए हुए नामों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। सैम, क्या खराबी थी तुम्हारे पेरेंट्स के दिए हुए नाम में, संपूर्ण सिंह में? बोल ना। और मैडी, मदन भी कोई बुरा नाम नहीं था। ये तो दोनों उस मरजानी पहनी के रंग में बहुत ही रंग गए थे।
अरे अगर कौआ अगर हंस की चाल चले ना तो वो हंस नहीं बन सकता है ना। सैम, मैडी, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने इस बर्बादी के रास्ते को छोड़कर अपनी असली जिंदगी की ओर दोबारा रुक करो। सब कुछ भूलकर अपने माँ बाप के पास चले जाओ, वो तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने की कोशिश करो। इस उधार की जिंदगी से कुछ नहीं होगा। तुम अगर गर्व से अपना इंट्रोडक्शन किसी को भी संपूर्ण सिंह या मदनलाल कहकर दोगे ना, तो तुम देखना तुम्हारी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी। ये बात हमेशा याद रखना कि इंसान अपने नाम से नहीं अपने काम से बड़ा बनता है। गुल्लू, ये 2 लाख रुपए ने दे दो। क्या? दे दो यार। और सैम और मैडी, ये 2 लाख रुपए है ना, जाके इस पुन्नू के मुंह पे मारना। गुड गुड। आपने अपना नाम जितेंद्र बताया था ना? हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र खन्ना है जी। आपने जो सैंपल्स बनाए हैं ये वाकई बहुत बढ़िया सैंपल्स हैं। थैंक यू सर। आप आज से ही प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं जी। और हाँ, हरी को ऑर्डर देते वक्त मैंने ये बताया था कि ये ऑर्डर 7 दिन में ही पूरा होना चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट। हाँ जी हाँ जी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमने दिन रात लग के आपका माल पूरा कर देना है, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप जो ये माल बनाएंगे ये बिल्कुल सैंपल्स के हिसाब से ही बनना चाहिए। वो क्या है ना कि लोग सैंपल्स तो बहुत बढ़िया बताते हैं लेकिन सप्लाई करते वक्त वो क्या है ना, वो सब स्टैंडर्ड के करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो भूषण जी, ये सारा काम मैंने अपनी आंखों के सामने करवाना है और किसी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। गुड, वेरी गुड। हाँ, सरजू ने मुझे टेलीफोन करके बताया था कि आपकी भतीजी कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहती है। ये मेरी भतीजी है जी, चन्नी। हेलो। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। ये कुछ स्केचेस के थ्रू आपको बताना चाहती है। सर, थ्रू स्केचेस मुझे मेरी बात समझाने में और आपको मेरी बात समझने में दोनों में आसानी होगी। गुड, वेरी गुड, गो अहेड। दीज आर द स्केचेस। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। वैसे सूर्या, अपने पापा की लैंग्वेज में एक बात बोलूं, भाई 2 लाख का ना सॉलिड नुकसान हो गया। नहीं नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि अगर 2 लाख रुपए से 2 आदमियों की जिंदगी सुधर सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं। अरे तो तुम्हें क्या लगता है, सैम और मैडी सुधर जाएंगे?
अरे मेरे को तो लगता है कि उन दोनों ने उस मर्जा ने पुन्नू का उधार चुका के फिर से वो जुआ खेलने बैठ जाना। ओए तू नेगेटिव की सोचती है, पॉजिटिव सोचना। हो सकता है सैम और मैडी सच में सुधर जाए, है ना? ऐसा नहीं लगता। एब्सोल्युटली करेक्ट सीम्स। अरे उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आई होप वो दोनों को अकल आ जाए। अगर वो दोनों सही लाइन पे आ जाएंगे ना, आई विल बी हाईली सैटिस्फाइड। अरे यार इस भागा दौड़ी में मैं तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज तो देना ही भूल गया। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ, एनी गेसेस? अरे किसके बारे में? हरी के बारे में। हरिवीर के बारे में क्या ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है? सिवाय इसके कि अभी हरिवीर ने चन्नी पे लाइन मारना शुरू कर दिया है। पूजा ये न्यूज ना हमें चन्नी के आने से पहले से ही पता है, ठीक है? वैसे सूर्या इस बारे में ना मैं तुमसे बात करना चाहता था यार, हमें ना चन्नी को हरी से थोड़ा दूर दूर ही रखना चाहिए। हरिवीर तो चन्नी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। लेकिन गलती से चन्नी अगर हरिवीर में इंटरेस्ट लेने लग गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। इस प्रॉब्लम का तोड़ ही मेरी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जैसे ही अपनी ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो फिर बताओ ना, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो तुम? अपनी जो चन्नी है ना उसको इंग्लैंड के मुकाबले इंडिया बेटर लगा और शादी के बाद इंडिया में ही सेटल होना चाहती है। ये चन्नी ने तुम्हें खुद कहा? ये बात चन्नी ने जतिंदर ताया जी और शानी ताई जी को बताई थी और मेरी इस बारे में जतिंदर ताया जी से बात हुई है। यार अगर चन्नी ने ये डिसीजन ले लिया ना तो उसके डिसीजन को हिलाना नामुमकिन है। एक मिनट विक्की, यार अगर चन्नी इंडिया में सेटल होना चाहती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन हरी को इस बारे में पता चलेगा उसने अपने आप ही पीछे हट जाना है। क्यों नहीं, मैं इससे एक कदम आगे सोच रहा हूं। अच्छा मतलब अगर हरी को चन्नी के इरादों के बारे में पता ना चले और वो इसी तरह चन्नी के पीछे पड़ा रहे और चन्नी को भी अगर हरी पसंद आ जाए यानी दोनों के बीच में प्यार हो जाए तो। मैं समझ गई, प्यार में बहुत ताकत होती है और अगर वो दोनों सच्चा प्यार करने लगेंगे तो चन्नी जैसी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की ने तो हरिवीर को इंडिया में सेटल करने के लिए कन्विंस कर लेना है। यस। और तब तक हरिवीर का काम भी सेटल हो जाएगा, यानी कि हरिवीर सही लाइन पे आ जाएंगे। अरे वाह, चीयर्स जानू। हाय हाय, मार डाला पापड़ वाले को। जब हमारे हरिवीर चन्नी के पीछे पागल हो जाएंगे ना फिर तो उन्हें चारों ओर बस चन्नी ही चन्नी नजर आनी है। तब जाके उन्हें ये पता चलना है कि चन्नी तो लंदन वापस जाना ही नहीं चाहती। फिर तो अपने हरिवीर अपने सच्चे प्यार से मुंह फेर ही नहीं सकते। क्यों? चुप बावली। देखो हमें इस बात को सीक्रेट रखना है, हरी तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए कि चन्नी इंडिया में सेटल होना चाहती है। हा? हाँ, और खास तौर पे चन्नी को भी ना ये बात हरिवीर को नहीं बतानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तुम लोगों से एक कदम आगे सोचता हूँ, क्योंकि इसका इंतजाम भी मैं कर चुका हूँ। जतिंदर ताया जी और शानी ताया जी चन्नी को ये समझा देंगे कि वो अपने इंडिया में सेटल होने के इरादे की भनक घर में किसी को ना होने। चक दे फटे नब दे किल्ली सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली। ओह चीयर्स अ मैगा।
मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं क्या बात है शानी, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। ऊपर जाई जी, इन्होंने अभी अभी फोन पे बताया कि हमारे सैंपल्स अप्रूव हो गए, यानी ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अरे वाह। हाँ, और पता है चन्नी के डिजाइन तो भूषण जी को इतने पसंद आए कि वो उन डिजाइन को अपने हेड ऑफिस भेजना चाहते हैं, ताकि कंपनी के मालिक भी उन्हें देख के अपनी राय दे सके, है ना अच्छी बात। हाँ शानी, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। अरे भूषण जी को चन्नी के डिजाइन में जरूर कुछ अच्छा ही नजर आया होगा, तभी तो उन्होंने बड़े ऑफिस दिखाने के लिए भेजी है। ओए भाभी जी, मुबारका मुबारका, हमारे सारे सैंपल पास हो गए। लो मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। अरे जतिंदर, सबसे ज्यादा और सबसे पहले तो मुबारका तेरे को और हरी को, ले खा। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। अरे काम तो तुम दोनों ने ही पहले शुरू करना है ना। ओहो मिठाइयां, ओए बड़े टाइम पे आया तू, चल ओ हमारे सारे सैंपल पास हो गए, ले मिठाई खाओ, ओए मुंह मीठा करो, लो लो लो। क्या बात है। ओए सरजू, पुत्र तू तो सबसे पहले खा, और ये तो सारा किया तरह तेरा ही है, तेरा ही कमाल है। अरे सर, कमाल तो हम और भी बहुत सारे कर सकते हैं। आप तो हमको ये बताइए कि आपकी मीटिंग वहां कैसी रही। अरे सरजू, मीटिंग बहुत अच्छी रही। वेरी गुड। ओए देख हरी, अब हमें ना बड़ी मेहनत के साथ ये काम करना है, और सारा काम टाइम पे पूरा करना है। अरे चाचू, आपके होते हुए मेरे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ये बात इसका मतलब क्या हुआ कि जतिंदर ताया जी सारी मेहनत करेंगे और जब मुनाफा बांटने का वक्त आएगा तब आप पहुंच जाएंगे। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये नाइंसाफी हम नहीं सहेंगे। बता देते हाँ, आपको काम करना पड़ेगा, वो भी चाम भर के, समझे कि नहीं। चाम भर के मेहनत से। ओए सरजू, तू समझेगा नहीं, काम तो कारीगरों ने करना है, हमें थोड़ी। अरे पर हरिवीर, काम करवाना तो आपने और ताया जी ने है ना। अरे गुड्डी, जतिंदर चाचू कारीगरों से काम करवाने में एक्सपर्ट हैं, मेरे को इस मामले में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अरे यार हरी, तो नॉलेज ले ना, डेली फैक्ट्री जाएगा, जतिंदर चाचू के साथ बैठेगा, तभी तो तेरे को समझ आएगा कि कारीगरों से काम कैसे निकलवाया जाता है। वो यार मेरे को इस झमेले में नहीं पड़ना, ये रोज रोज का फैक्ट्री जाना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ अजीब बंदा यार। फुफा जी, वुड यू माइंड इफ आई कम अलोंग विद यू टू द फैक्ट्री, मैं आपके साथ फैक्ट्री चलना चाहूंगी। ट्राई एक्सपो का ऑर्डर हमें पहली बार मिला है और हमें इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। Oh yes. We need to really work hard, right? अच्छा ठीक है, अब तुम लोग इतना प्रेशराइज कर रहे हो तो मैंने भी कल से फैक्ट्री चले जाना है। नहीं नहीं मत जाओ। अरे नहीं चला जाता हूँ। नहीं मत जाना। अरे समझ यार, मजबूरी है, जाना अच्छा। पड़ेगा। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से, घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में, आंखों में उसकी है चमक हर पल।